Hello everyone, how are you today? Welcome to my class. Today we are going to discuss on chemical properties of Grignard reagent. आज के इस टॉपिक में मैं आपको Grignard reagent किन किन परिस्थितियों में किस किस के साथ रिएक्शन करता है उनमें से कुछ रिएक्शन आपको आज फर्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर वन में दिखाने वाला हूं। आप लगातार वीडियो देखते रहिएगा जिससे Grignard reagent संबंधित जितनी भी रिएक्शन है आपकी सब क्लियर हो जाएगी। और आज मैं सबसे पहली रिएक्शन ले रहा हूं, फॉर्मल्डिहाइड एसीटाल्डिहाइड एंड एसीटोन इज रिएक्टेड विद Grignard reagent। देखते हैं इसमें क्या बनता है और कैसे बनता है। सिंपल और ट्रिकी स्टाइल में बताऊंगा, हल्की सी मैकेनिज्म इसमें पुट करूंगा, फुली मैकेनिज्म इसमें नहीं बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं इस रिएक्शन में। हम सबसे पहले आपको बता दें कि फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन हम कैसे कराते हैं। फर्स्ट रिएक्शन देखिए, रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड सबसे पहले रिएक्शन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कंपटीशन के लिए। आप एक एक रिएक्शन को ध्यान से देखते रहिएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं Grignard reagent की फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराते हैं। तो Grignard reagent मैं ले रहा हूं सबसे पहले CH3MgBr, ये है आपका मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये Grignard reagent है। और इसके अंदर बस आपको क्या देखना है, मेन चीज रिएक्शन कराने के लिए किसका नेगेटिव पार्ट कौन सा है और पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, तो कौन किस पर अटैक कर सकता है। हर बार आपको इसी टाइप की रिएक्शंस को देखना है और आपको रिएक्शन बनाना है। तो देखिए मानिए आपका जो CH3 आप देख रहे हैं, ये जो CH3 है नेगेटिव पार्ट है Grignard reagent का, यहां पर Br भी नेगेटिव पार्ट है लेकिन Br CH3 से ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है, इस बात को आपको याद रखना है। Mg क्या है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर कितने पॉजिटिव होंगे, 2 पॉजिटिव होंगे और इससे 2 नेगेटिव इस तरीके से जुड़े रहते हैं। तो यहां पर ये CH3 जो है इस रिएजेंट की यही अटैकिंग स्पीसीज है यहां पर। अब मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की जब मैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराऊंगा, जैसे HCH3 को, ये रहा हमारा फॉर्मल्डिहाइड। इस फॉर्मल्डिहाइड में ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है तो ये पार्शियली नेगेटिव होगा क्योंकि कार्बन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो ये CH3 जो है, जो नेगेटिव पार्ट है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट करके इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ये जो डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड है ये ऑक्सीजन पर ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, इतना सा काम करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, इसके साथ में दूसरी पार्ट ये कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये यहां पर जैसे नेगेटिव आएगा तो इस पर Mg और Br जुड़ जाएगा, बाद में इसको हाइड्रोलाइसिस द्वारा हम अलग कर देंगे। तो देखिए इस रिएक्शन में क्या होता है आगे, ये देखिए ये रिएक्शन ईथर की प्रेजेंस में होती है। ओके, सिंपल सी बात, ईथर की प्रेजेंस में होती है। तो देखिए मैं यहां पर इसको जोड़ूंगा, तो ये क्या है CH2, तो ये हो जाएगा CH3CH2, यानी ये CH3 किससे जुड़ गया, इस CH2 से, उसके बाद सिंगल बॉन्ड O, O पर नेगेटिव चार्ज है तो इसमें कौन जुड़ जाएगा, MgBr, तो यहां पर जाकर के ये MgBr जुड़ जाता है। ये यहां पर फर्स्ट इंटरमीडिएट स्पीसीज आपकी बन गई। ओके, फर्स्ट इंटरमीडिएट स्पीसीज ये बन गई। इसका हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। यहां पर लिखेंगे हम, ऐसा पेपर में भी लिखे आएगा H3O पॉजिटिव, तो इसमें जो H2O होता है यहां से आप सीख लीजिए ट्रिकी स्टाइल में कि ये यहां पर वो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है, हमेशा ये ध्यान रखिएगा।
तो यहां पर H जो है ये नेगेटिव है तो इसका H पॉजिटिव यहां जुड़ जाएगा और इसका OH नेगेटिव इधर आके जुड़ जाएगा। H पॉजिटिव यहां जुड़ेगा और OH नेगेटिव यहां जुड़ जाएगा। तो देखिए कंपाउंड क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपका CH3 CH2 और OH, ये इथाइल एल्कोहल आपका बन गया, इथाइल एल्कोहल, ये 1 डिग्री एल्कोहल है। ओके, साथ में ये निकल जाएगा क्या क्या Mg, एक साइड में Br जोड़ दीजिए और एक साइड में OH जोड़ दीजिए। ये आपका कंप्लीट रिएक्शन है, बड़े सिंपल तरीके से आप इसको बनाना सीख सकते हैं। मेन आपको बस ये CH3 जो आप देख रहे हैं, ये CH3 जो नेगेटिवली चार्ज है वो कार्बोनिल के कार्बन पर अटैक करती है और इसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं, बचा हुआ ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके एक इंटरमीडिएट स्पीशीज बनाता है और इसका हाइड्रोलाइसिस करने पर ये 1 डिग्री इथाइल एल्कोहल बन जाता है। हर बार आपको रिएक्शन को इसी टाइप से जोड़ना है और रिएक्शन बनाते जाना है। ठीक है, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। अब देखिए रिएक्शन नंबर 2, सेकेंड रिएक्शन में आपको समझना है रिएक्शन विद एसीटाल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3CHO। रिएक्शन आपको फॉर्मल्डिहाइड की तरह ही कराना है। देखिए यहां पर मैं फिर से ये ले रहा हूं CH3MgBr यानी मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसकी हमें रिएक्शन कराना है एसीटाल्डिहाइड से। तो ये रहा हमारा CH3H, C डबल बॉन्ड हो, ये कार्बोनिल का कार्बन है, इस पर अटैक करेगी हमारी कौन सी स्पीशीज, ये CH3 इस कार्बोनिल के कार्बन पर अटैक करेगी। यहां पर फिर बता दो ये नेगेटिवली चार्ज है, ये भी नेगेटिवली चार्ज है और मैग्नीशियम पॉजिटिवली चार्ज है, ये अपना इलेक्ट्रॉन देकर के कार्बोनिल के कार्बन से बॉन्ड बनाएगा और यहां से बॉन्ड यहां से इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस पर पार्शियली नेगेटिव और इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऐसे। तो देखिए जो कंपाउंड बनेगा जो ईथर की प्रेजेंस में बनता है और ये बन जाएगा देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ये वाला है CH3 और ये CH और इससे कौन जुड़ गया, एक और CH3 जो नीचे लगा दूंगा मैं यहां पर और आगे क्या है सिंगल बॉन्ड O और O से आकर के ये MgBr जुड़ जाएगा, O Mg एंड Br, ये आपका फर्स्ट इंटरमीडिएट स्पीशीज हो गई। इसका हमने क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस करेंगे H3O पॉजिटिव के द्वारा एसिडिक मीडियम में। तो यहां पर मैंने जो अभी ब्रेक करना आपको सिखाया था कि यहां पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मैग्नीशियम पॉजिटिव है और यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसका प्रोटॉन यहां पर अटैक करेगा, सॉरी ये ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर है तो ये प्रोटॉन को अपनी ओर अटैक करेंगे और यहां पर H जुड़ जाएगा और यहां पर OH जुड़ेगा। ओके, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होना है और ये बन जाएगा आपका देखिए CH3CH और नीचे CH3 और इससे कौन जुड़ने वाला है OH। बचेगा क्या हमारे पास, सेम कंडीशन जैसा पिछली रिएक्शन में था MgBr@OH। ज्यादा कठिन रिएक्शन नहीं है, बार बार आपको यही करना है, इस वाटर मॉलिक्यूल से H और OH यहां पर ब्रेक करना सीख लीजिए। इस पर 2 लोन पेयर है, ये लोन पेयर प्रोटॉन को अपनी ओर जोड़ लेगा और इधर OH नेगेटिव है, Mg पॉजिटिव है, इसके साथ जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से जो बनेगा इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ये हमारा 2 डिग्री एल्कोहल है क्योंकि
ये जो है OH 2 डिग्री कार्बन से अटैच है। तो ये सेकेंड रिएक्शन है हमारी, रिएक्शन विद एसिटाल्डिहाइड। ओके, जैसी फॉर्मल्डिहाइड में थी वैसी ही एसिटाल्डिहाइड में है। सेम कंडीशन देखिए आपको एसीटोन की रिएक्शन सिखाता हूं मैं। अब आप देखिएगा एसीटोन के साथ रिएक्शन, देखो रिएक्शन विद एसीटोन, एसीटोन को हम डाई मिथाइल कीटोन भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला मैं अभी बताऊंगा आपको। ये तीन रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन है, तीन रिएक्शन आपको समझना है। तो थर्ड रिएक्शन में देखिए मैं यहां फिर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले रहा हूं, CH3 MgBr। इससे आपको बार बार रिएक्शन को स्ट्रिंगी स्टाइल में बनाना आ जाए। तो ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है और हमें इसी CH3 की बात करेंगे। ये नेगेटिवली चार्ज है जो कि कार्बोनिल के कार्बन पर ही अटैक करेगा और बॉन्ड बनाएगा। और ये एसीटोन का फॉर्मूला है CH3 C डबल बॉन्ड हो, ये बॉन्ड यहां से यहां ट्रांसफर होगा, ये CH3 इस कार्बोनिल के कार्बन पर अटैक करेगा। तो इस पर पार्शियली पॉजिटिव और इस पर पार्शियली निगेटिव चार्ज है। ओके, तो इसके साथ जुड़ने पर देखिए क्या कंडीशन बनती है। ये रिएक्शन भी ईथर की प्रेजेंस में होती है और यहां पर हमारा बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C ऊपर और नीचे, यानी एक C से तीन CH3 जुड़े हुए, इस एक से 1, 2 और 3 और O से जाकर के लिए Mg और Br जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा O और Mg Br। ये आपका इंटरमीडिएट स्पीसीज बन गई। इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, H3O पॉजिटिव, तो ये एसिडिक मीडियम कहलाता है और इसमें से हम वाटर का यूज करेंगे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के रूप में। इस ऑक्सीजन पर यहां पर 2 लोन पेयर हैं, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, इस इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन जुड़ जाएगा यानी H पॉजिटिव और इस पर ये OH नेगेटिव जुड़ जाएगा क्योंकि Mg पर पॉजिटिव चार्ज है। यहां पर 2 पॉजिटिव है, यहां पर नेगेटिव है। तो इस तरीके से जो कंपाउंड बनेगा हमारा वो ये बनेगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ऐसे भी आप याद कर सकते हो COH, इसको बोलेंगे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल और ये 3 डिग्री अल्कोहल है। ओके, बचा हुआ क्या पार्ट है इसमें देख लीजिए, यहां पर इसे लिख सकते हैं MgBr एंड OH, ये निकल जाता है। तो मेन चीज क्या है, ये अटैकिंग स्पीशीज को आपको देखना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो R होता है नेगेटिव, ये हमेशा एल्डिहाइड में कार्बोनिल के कार्बन पर ही अटैक करेगा और बॉन्ड बनाएगा। और ये आपको उस कंडीशन आसानी से समझ में आ जाएगी कि CO से बॉन्ड जैसे यहां से हटेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इससे जाकर के Mg और Br जुड़ जाता है। इस तरीके से आपको ये 3 रिएक्शंस को फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन की, ये 3 रिएक्शन आपको याद करना है। उसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेक्चर नंबर 2 में बची हुई रिएक्शन आगे बढ़ाता जाऊंगा। कंप्लीट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन आपको मिलने वाली है, सारे वीडियो आप देखते रहिएगा। प्रॉब्लम आने पर मुझे जरूर बताइए, इसमें मैंने आपको मैकेनिज्म को फॉलो नहीं किया है, सिंपल रिएक्शन के रूप में बताया जो IIT में आपको जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। अगर आप इसके मैकेनिज्म देखना चाहते हैं तो मैकेनिज्म की अलग से बहुत सारी वीडियो पड़ी है, उन्हें भी आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।